है विश्व प्रसिद्ध योग गुरु स्वामी रामदेव जो साइकिलिंग करते हुए एंट्री ले रहे हैं। देखिए वो भी बारिश में। जिसके बारे में शायद हम और आप बहुत ही ज़्यादा कम जानते होंगे। क्या आपको पता है कि रेड बुल ने अपनी कंपनी को ओपन करने के लिए ऐसा क्या काम किया जिसकी वजह से उनकी जो कंपनी है वो बहुत ज़्यादा इतने कम टाइम में हाई हो गई? और क्या आपको पता है कि जब आप बहुत ज़्यादा खुश हो और अचानक आपको मौत का मंजर देखने को मिले और उसको आपने लाइव रिकॉर्ड कर लिया है? कुछ ऐसे रैंडम फैक्ट्स इस वीडियो में हम देखेंगे, लेकिन वो सारे फैक्ट्स जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा वॉच आउट करना पड़ेगा। तो हेलो फैमिली, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने पेरेंट्स के ख्याल भी काफ़ी अच्छे से रख रहे होंगे। आई विश कि आप और आपकी फैमिली के हेल्थ में बरकत हो। थैंक यू सो मच। लेकिन इससे पहले अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं दिखा है तो प्लीज़ उसको अभी के अभी वॉच आउट जाके करिए, क्योंकि ऐसे बहुत से कमेंट आते हैं जिसमें आप ही में से कोई फैमिली मेम्बर ये बोलते हैं कि आप ये वीडियो रिएक्ट करिए, इस टॉपिक पे रिएक्ट करिए। तो वो जो वो टॉपिक बताते हैं वो ऑलरेडी मैं रिएक्ट कर चुकी हूँ, तो इसके लिए आपको चैनल की प्लेलिस्ट को जाके देखना पड़ेगा, आपको सारे रिएक्शन मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। ये बात तो हम सभी लोग जानते हैं कि हमारी जमीन के गिर्द कुदरती मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है जो कि खलास से आने वाली खतरनाक रेडिएशन और एस्ट्रॉइड से इसे बचाता है। लेकिन क्या आपने इस कदर बड़े साइज के मैग्नेटिक फील्ड की आवाज़ कभी सुनी है? जी हाँ, यूनिवर्सिटी ऑफ डेनमार्क के रिसर्चर्स ने पहली बार इस आवाज़ को जारी किया है जो कि कुछ इस तरह की सुनाई देती है। उप्स, सॉरी सॉरी, ये नहीं बल्कि ये वाली, माफ करना, मैं जल्दी मैं यहाँ वहाँ निकल जाता हूँ। इसके बाद कुछ ठंडा ठंडा की तरह लगती है, जैसे कि बिजली। ये बिल्कुल ऐसी आवाज है जैसे चलते चलते मेरे घुटनों से आती है, या बदपरेजी वाला खाना खाने के बाद मोस्ट ऑफ द लोगों के पेट से आती। इसे सुनकर ऐसा नहीं लगता कि एलियन के बच्चे किसी सेटेलाइट पर खेल रहे हों या किसी हॉरर मूवी का कोई साउंड हो। जैसे जमीन खुद भी इंसानों से तंग आ चुकी है, क्योंकि इंसानों ने तो इसकी भी चीखें निकलवा दी हैं जो कि सुनाई भी दे रही हैं। अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड के सीजन 2 पार्ट 21 में खुशामदीद। एक ऐसी मुनफरिद वीडियो सीरीज जिसमें हम दुनिया और कायनात से मुतल्लिक ऐसी हैरत अंगेज और ऐसी इंटरेस्टिंग किस्म की फैक्ट्स जानते हैं जो कि आपने आज से पहले कभी ना सुनी हो, और इनके बारे में जानकर आप एक ही वर्ड बोलेंगे, बेटा मस्ते नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग एपिसोड। है विश्व प्रसिद्ध योग गुरु स्वामी रामदेव जो साइकिलिंग करते हुए एंट्री ले रहे हैं। देखिए वो भी बारिश में। आजकल सर्दियों का मौसम है और इंतहाई ठंड है, ऊपर से आपके दोस्त के ठंडे जोक सुनकर अक्सर आपकी ठंड बढ़ जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में अब तक का सबसे कम टेम्परेचर कितना और कहां पर रिकॉर्ड किया गया? कहां? हमारी जमीन पर दुनिया का सबसे कम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है -89.2 डिग्री सेल्सियस, जो कि वोस्टोक एंटार्क्टिका के अंदर 1983 के अंदर रिकॉर्ड किया गया और अब तक का वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो आज तक नहीं टूट सका। दरअसल वोस्टोक एक रूसी रिसर्च स्टेशन है जो कि मशरकी एंटार्क्टिका आइस शीट के दरमियान में जुग्राफियाई साउथ पोल से तकरीबन 1300 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। ये वो जगह है जहां पर सर्दियों में बिल्कुल सूरज ही नहीं निकलता, और दूसरी बात के बहुत दूर जनूब में होने के अलावा स्टेशन की ऊंची ऊंचाई जो कि 3420 मीटर या 11220 फीट है, इसे मजीद ठंडा होने के अंदर मदद देती है, जिसके चारों तरफ बस आपको बर्फ की चादर ही दिखाई देगी, और यकीनन इस मंजर को देखकर आपको स्क्रीन से ही ठंड महसूस हो रही होगी। ये बिल्कुल वैसा ही मौसम है जैसे बचपन में हमारे माँ बाप के मुताबिक वो स्कूल जाया करते हैं। एंटार्क्टिका दुनिया का एक अकेला मुल्क है जहाँ पर किसी भी मुल्क की कोई हुकूमत नहीं, कोई करेंसी नहीं, कोई टाइम जोन नहीं, लिहाजा यहाँ पर दुनिया भर के साइंटिस्ट सिर्फ रिसर्च पर्पस के लिए इकट्ठा होते हैं। कोई भी शख्स यहाँ पर रहने का रिस्क नहीं लेना चाहता। यूएई का शहर दुबई अपने नाकाबले यकीन प्रोजेक्ट्स के लिए जाना जाता है जो कि दुनिया भर को हैरान करके रख देते हैं, और इसी लिफ्ट के अंदर एक और प्रोजेक्ट का इजाफा हो गया है जो कि यकीनन आपको हैरान करके रख देगा।
क्योंकि हाल ही में दुबई की जनेरा स्पेस आर्किटेक्चर कंपनी ने यूएई की गवर्नमेंट को एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाने का कॉन्सेप्ट दिया है जो कि दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा के गिर्द एक 5 मंजिला सर्कल होगा जिसे दुबई रिंग का नाम दिया गया है और ये कुछ ऐसा दिखता है। इसकी ऊंचाई 500 मीटर होगी और इसकी लंबाई होगी 3 किलोमीटर जबकि इसके नीचे 5 बड़े पिलर्स इससे जुड़े होंगे जो इस स्ट्रक्चर को सहारा देंगे। इसके अंदर रिहायशी अपार्टमेंट ऑफिसेज और दूसरी लग्जरी सहूलियात मौजूद होंगी और यहाँ से खड़े होकर हर एक शख्स को दुबई का 360 व्यू मिलेगा। यहाँ पर हवा में एक पार्क भी बनाया जाएगा जहाँ पर लोग मुख्तलिफ किस्म की नेचुरल सेटिंग्स यानी सहरा जंगल और वादियों को एक्सपीरियंस कर पाएंगे। लेकिन बहुत से आर्किटेक्चर माहरीन का मानना है कि इतनी कम बुनियादों पर ऐसा स्ट्रक्चर बनाना नामुमकिन सी बात है क्योंकि इनके मुताबिक ये अपनी तर्ज का पहला यूनिक स्ट्रक्चर होगा जो कि कामयाब भी हो सकता है या फिर एक बहुत बड़ा डिजास्टर भी। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या वाकई ऐसा स्ट्रक्चर बनाना मुमकिन है और क्या ये बुर्ज खलीफा की खूबसूरती को कायम रख पाएगा? तो अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। वहाँ पे इतना ज्यादा सूखे होने के जहाज के सफर को दुनिया में सबसे महफूज तस्वर किया जाता है लेकिन ये भी हकीकत है कि अगर इन जहाजों में से किसी को कोई हादसा हो जाए तो इसका बचना इंतहाई मुश्किल होता है। क्या आपने कभी तसव्वुर किया कि खुदा ना खास्ता आप एक ऐसे जहाज में सवार हो जो कि कुछ ही देर के अंदर क्रैश होने वाला हो लेकिन आप इसकी लाइव वीडियो बनाकर ये मंजर पूरी दुनिया को लाइव दिखा रहे हो? यकीनन ये आपके लिए किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं होगा। लेकिन हाल ही में नेपाल की येटी एयरलाइन के एक जहाज ATR 500-72 की फ्लाइट 691 के साथ एक ऐसा ही हादसा पेश आया जो कि 72 पैसेंजर्स के साथ काठमांडू से पोखरा शहर के लिए जा रहा था मगर आखिरी लम्हात के अंदर लैंडिंग के दौरान ही हादसे की वजह से क्रैश होकर गिर गया और कोई एक पैसेंजर भी जिंदा नहीं बचा। ये नेपाल की 30 साल तारीख का सबसे बदतरीन एविएशन इंसिडेंट है और इसी फ्लाइट पर भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के शहर वरनसाई से ताल्लुक रखने वाला एक लड़का सोनू जायसवाल भी मौजूद था जो कि दोस्तों के साथ यहाँ पर घूमने के लिए आया था। जब ये प्लेन लैंड होने लगा तो ये खुशी से अपने फेसबुक अकाउंट पर लाइव स्ट्रीम कर रहा था मगर इसी दौरान अचानक से ये हादसा पेश आ गया कि प्लेन रनवे से उतरते हुए बेकाबू होकर गिर गया और ये सारा मंजर कैमरे के अंदर रिकॉर्ड हो गया। यहाँ तक कि इस लाइव स्ट्रीम की वीडियो के अंदर जहाज की विंडो से बाहर लगी आग को और चीखों पुकार को सुना जा सकता है। ये वीडियो मैं आपको मुकम्मल तो नहीं दिखा सकता क्योंकि ये काफी दर्दनाक है और इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है जिसे दुनिया भर के मीडिया ने भी कवर किया। अल्लाह ताला ऐसी हादसाती मौत से हम सबको बचाए। क्या आप जानते हैं कि इंसानी जिस्म को अगर धूप के अंदर 15 मिनट तक एक्सपोज किया जाए तो ये खुद से विटामिन डी को पैदा करता है। अगर आप भी दिन भर अपने जिस्म को थका थका मसल्स के अंदर खिंचाव हड्डियों के अंदर कमजोरी ब्लड प्रेशर स्ट्रेस नींद की कमी वजन के बढ़ने या इम्यून सिस्टम की खराबी का शिकार हैं तो जान लें कि आपको सिर्फ और सिर्फ रोजाना धूप की जरूरत है किसी डॉक्टर या हॉस्पिटल की नहीं क्योंकि सूरज की रोशनी हीट की सूरत हमारे जिस्म के अंदर विटामिन डी को पैदा करती है जो कि कैल्शियम जिससे हमारी हड्डियाँ बनी हैं इसे हड्डियों में एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। ब्लड की सर्कुलेशन को बढ़ाता है जिससे ब्लड प्रेशर टेंशन नींद की कमी और डायबिटीज जैसी बीमारियां दूर हो जाती हैं लेकिन आजकल अपने लाइफस्टाइल के अंदर बदलाव की वजह से ज्यादातर लोगों को इसकी अहमियत का अंदाजा तक नहीं है। इसलिए किसी ऐसे शख्स के साथ इसे जरूर शेयर करें जिसको इसकी बहुत जरूरत है। वैसे आप लोग दिन के अंदर कितनी मरतबा धूप से फायदा उठाते हैं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। आज दुनिया भर की कंपनीज अपनी प्रमोशन और एडवर्टाइजमेंट पर अच्छा खासा पैसा खर्च करती हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ब्रांड ऐसा भी है जिसकी मार्केट वैल्यू है $15 मिलियन लेकिन इसकी शुरुआत हुई थी एक कचरे के डब्बे से। ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। रेडबुल एनर्जी ड्रिंक 1987 के अंदर लॉन्च हुई थी और इस वक्त मार्केट के अंदर और भी बहुत सारे ब्रांड थे, कॉम्पिटिशन बहुत हाई था, लिहाजा रेडबुल ने कमाल का दिमाग लगाया और एडवर्टाइजमेंट पर पैसा खर्च करने के बजाय मुख्तलिफ कॉलेजेस बाजार और मशहूर क्लब्स के बाहर डस्टबिन के अंदर रेडबुल के खाली कैंस को भरकर रखना शुरू कर दिया जहां पर नौजवान लड़के लड़कियां बहुत ज्यादा तादाद के अंदर जाया करते हैं। इन नौजवान लड़के लड़कियों ने डस्टबिन के अंदर इतनी सारी रेडबुल की कैंस को देखा तो सोचा कि आखिर ये क्या चीज है कि सभी लोग धड़ाधड़ इसको इतना ज्यादा पी रहे हैं, यकीनन कुछ तो गड़बड़ है, इसमें कोई तो खास बात है। और इसी क्यूरियोसिटी में लोगों ने इसे खरीदना शुरू किया तो रेडबुल्स की सेल देखते ही देखते आसमान को छूने लगी। ये दुनिया का मशहूर तरीन ब्रांड बन गया और इसके बाद जब ये सीक्रेट रिवील हुआ तो आवाम का कहना था ओ चूना लगा दिया। वैसे मानना पड़ेगा कि क्या कमाल का दिमाग लगाया। तो आज के अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड की सीरीज में सिर्फ इतना ही। आपको इनमें से सबसे अमेजिंग फैक्ट्स कौन सी लगी और क्यों, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। ये तो थे दुनिया के कुछ ऐसे रैंडम फैक्ट्स जिससे हम और आप शायद वाकिफ हैं, जिनको नहीं मालूम ये सब उनके लिए ये वीडियो काफी यूजफुल रही होगी। कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुझे नहीं मालूम थी
जैसे कि रेडबुल ने क्या दिमाग लगाया, जरूरी नहीं है कि आप सारा पैसा एडवर्टीजमेंट में ही खर्च करें और तब जाके आपकी मार्केट हाई होगी। कभी कभी कुछ ऐसी अनोखी चीजें करनी पड़ती है जिसको देख करके ही लोगों में उत्साह पैदा हो जाता है और आपकी मार्केट वैल्यू काफी ज्यादा हाई होने लगती है। अभी जो एक दर्दनाक हादसा हुआ वो नेपाल में हुआ कि एक प्लेन जाकर के क्रैश हो गई थी और उसके जो जितने भी यात्री थे उन सब की डेथ हो चुकी थी। तो जिंदगी में कब कौन सी चीज क्या हो जाए आपके साथ हमें और आपको मालूम नहीं चलता है, इसीलिए कभी भी किसी भी चीज का घमंड बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि आप बहुत ज्यादा पैसे वाले हैं, आप बहुत ज्यादा अमीर हैं, आपके पास इतना ज्यादा पावर है, क्योंकि एट द एंड सब कुछ खत्म होना है। इसीलिए अच्छे से रहिए, प्यार बांटिए, यही सब कुछ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग विद मी टिल लास्ट। बाय, टेक केयर।